हेलो गाइस, मेरा नाम राजकुमार ओझा है और डॉट ओझा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गीता के दूसरे अध्याय में आपको कुछ श्लोकों के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या है ये आत्मा और क्यों है ये आत्मा, वो किस लिए आती है और ये क्या क्या करके जाती है, पूरा लेख मैं आपको बता रहा हूँ विस्तार में। क्या होता है जब आत्मा शरीर को छोड़ती है? गुरु पुराण कहता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे दो यमदूत लेने आते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी तरह वह हमें ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन पुण्यात्मा है तो उसे प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती, लेकिन अगर वह दुराचारी है, पापी है, तो उसे बहुत तरह से पीड़ा सहनी पड़ती है। पुण्यात्मा को सम्मान से और दुरात्मा को दंड देते हुए ले जाया जाता है। और गुरु पुराण में यह उल्लेख है मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ही ले जाते हैं। इन 24 घंटों में उसे पूरी जन्म की घटनाओं में ले जाया जाता है और उसे दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप, कितने पुण्य किए हैं। और इसके बाद आत्माओं को फिर से उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहाँ उसने शरीर को त्याग किया था। उसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्य तक वहीं ही रहता है और 13 दिन के बाद फिर से यमलोक की यात्रा के लिए वो आत्मा निकल जाती है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ साथ में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। मिलते इसी तरह के तीसरे अध्याय में और कुछ इस तरह की रोचक जानकारी और ज़रूर दूँगा। हमें इस वीडियो से बहुत अच्छी सीख मिली है, जो अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा। अगर बुरे